एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हुआ है दोपहर से, तो अभी दोपहर का खाना बनाना है। मैंने भिंडी काट के रखी हुई है, प्याज भी। आज बना रहे हैं भिंडी, काफ़ी दिन हो गए थे भिंडी बनाए हुए, तो आज हम बनाएंगे भिंडी। और किचन मैंने साफ़ कर लिया था सुबह में ही, बर्तन धोते ही नाश्ता बनाने के बाद फिर सारा काम मेरा फिनिश हो जाता है, तभी मैं किचन को भी साफ़ करके छोड़ देती हूँ। और अभी दोपहर का खाना बनेगा, उसके बाद फिर से किचन साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो अभी मैं छौंक लगा लेती हूँ भिंडी को। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है धो के, इसमें थोड़ा सा पानी था वो सूख जाएगा, तब तक मैं इसके जो मसाले हैं वो रख लेती हूँ। भिंडी को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से छौंक लगाऊँगी। अभी इसमें ऑयल डाल देते हैं सरसों का, उसके बाद जीरा, और जीरे के बाद इसमें थोड़ी सी प्याज जो कटी हुई है इनमें से ही डाल दूँगी। पहले मैं टमाटर कट कर लेती हूँ, टमाटर मैंने ऐसे ही रख लिया था कि बाद में काट लूँगी इसको। अभी कढ़ाई भी हो चुकी है, तेल मैंने इसमें डाल लिया था, तेल भी गर्म हो चुका है। अभी इसमें जीरा ऐड कर लेती हूँ, वैसे अजवाइन भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, अजवाइन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है भिंडी में, तो थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी डाल ली थी जिससे कि और भी टेस्टी लगे। थोड़ी सी जो कटी हुई प्याज है वही डाल ली है, और जब ये ब्राउन सी हो जाएगी तो सबसे पहले मैं इसमें मसाला डालूंगी, सूखा धनिया, मिर्च, हल्दी ये वाला, और उसके बाद फिर टमाटर को फ्राई करूंगी, फिर सारे ही प्याज को फ्राई करके, भिंडी फ्राई करके इसको धीमी आंच पे ढक के रख दूंगी, सिम आंच पे ये बनती रहेंगी। तो तब तक मैं अपने जो बीच के छोटे मोटे काम है वो निपटा लूंगी। और बार बार बारिश आ रही है, अभी मैंने कपड़े उतारे हैं बीच में ही गैस सिम करके। पीछे जो झूला था वो हमारा छोटा सा बाबू है, उसके बाल कटवा दिए हैं तो अब हो गया है गंजा, और उसको झूलने का बहुत ज़्यादा शौक है, बस पूरा दिन झूलता ही रहता है। बीच बीच में मैं पूर्वांश की वीडियो भी डाल देती हूँ, मेरी बहन भेज देती है बना के छोटे छोटे सी क्लिप, जिससे कि याद रहेगा बचपन भी और अच्छा भी लगता है। आप लोगों ने बोला भी था कि आपका भांजा बहुत ही क्यूट है, इसकी भी वीडियो ऐड कर दिया करो, तो बताइएगा ज़रूर गंजा सा बाबू कैसा लग रहा है। बातों ही बातों में भिंडी को भी छौंक लग चुका है, अभी बस रोटी बनानी है फिर खा लेंगे सब, भूख लग रही है सभी को। और उधर कपड़े पड़े हुए हैं, उनकी तह लगानी है, प्रेस भी करनी है कुछ को, तो जब बारिश आई थी तब उतार के यहीं पे डाल दिए थे। बच्चे खा रहे हैं खाना, आप लोग भी खा लीजिए भिंडी के साथ में खा। मुझे बहुत बार कमेंट आता है कि आप बहुत ही कम खाना बनाते हो, कैसे काम चल जाता है इतने कम खाने में। मैंने कई बार वीडियो में शेयर भी किया है कि खाना हमारे यहाँ कम ही खाते हैं, ज़्यादा खाना कोई नहीं खाता, सभी की बहुत ही कम खुराक है इस मामले में, और सब्ज़ी तो बहुत ही कम खाते हैं, बल्कि इन सबसे ज़्यादा सब्ज़ी तो मैं खा लेती हूँ, मुझे सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। रोटी कम खाती हूँ मैं, सब्ज़ी ज़्यादा, शायद तभी मोटी हो रही हूँ मैं। दोपहर का हो गया है सारा काम ख़त्म मेरा, अभी आ गई हूँ मैं प्रेस करने के लिए। प्रेस भी क्या, और कपड़ों को तो अभी करनी नहीं थी, गर्मी लग रही है। किचन से आने के बाद जब काम करके आते हैं किचन में तो गर्मी लगती है, तो अभी मैंने सोचा ये साड़ी पड़ी पड़ी फिरेगी और इसकी तह लगानी भी मुश्किल हो जाएगी ऐसे, तो जब भी तह लगानी ही है मैंने सोचा इस पर प्रेस करके रख देती हूँ। दीदी को तो बहुत अलकस आता है साड़ी पे प्रेस करने का, और सही भी है, इतनी बड़ी होती है इस पर तो किसी को भी अलकस आ जाए, पर जब उठा के रखनी है तो सोचा प्रेस करके ही रख दूँगी। दीदी को ही कह दिया था मैंने प्रेस लगा दो, तब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ, और बस अभी इस पर प्रेस करके रख लेंगे। बाकी कपड़े हैं जो उनकी तह लगा के रख दिए हैं। अभी तीसरे पैर का चल रहा है बच्चों का नाश्ता, 3:30 बज चुके हैं। चाय बनाई थी सबके लिए, तो बच्चों के लिए नमकीन जमे बनाए थे। इस टाइम छोटी सी भूख लगती है सभी को, बच्चों को तो लगती ही लगती है, तो इनके लिए बनाया था चाय और नमकीन जमे, आप लोग भी खा लीजिए। हमें बहुत भूख लगती है इस टाइम, चाय सभी ने पी ली है, अभी तक मैंने नहीं पी थी, बस यहाँ पे धोने के बाद नहा लूंगी मैं, नहाने के बाद ही पीऊंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। काम करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, नहाए बगैर तो चैन ही नहीं मिलता, तो अभी मैं भी बस नहा लूंगी यहाँ को धोने के बाद, यहाँ पे धूप रहती है इस टाइम। उधर सारे में पोछा लगा लेती हूँ, इधर धो देती हूँ, इससे काम आसान हो जाता है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती धोने में। एक बार और करते हैं।
सही है एक बार और कर देती सही है फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली व्लॉग। आज दिन है संडे, डेट है आज 26 जुलाई। तो बस अभी आप लोगों से बातें कर रहे हैं बैठ के और दलिया भी भून रहे हैं साथ में। गैस चूल्हा वारी रख लिया है, दलिया भून लेते हैं। दलिया बनाएंगे और हरी मिर्च और प्याज। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा आज, गर्मी तो रोज़ ही बढ़ती रहती है। अगर बारिश हो जाए तो फिर भी मौसम ठीक हो जाता है ठंडा सा, नहीं तो गर्मी ही गर्मी, गर्मी में बेहाल रहते हैं पूरा दिन। तो अभी मैं बना रही थी दलिया, मैंने बाहर निकाल ली थी गैस। उस टाइम तो किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, भभका सा बन जाता है, तो इस वजह से मैं बाहर ही रख लेती हूँ शाम के टाइम में इसको, गैस को। ये है मेरा ओपन किचन खुला हुआ, यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा भी लगती रहती है। और वैसे मौसम अभी ठीक हो रहा था, पहले तो बहुत ज़्यादा घोट सा हो गया था। गैस बाहर रखते ही माहौल चेंज हो गया, बादल से आ गए, हवा चलने लगी, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था गैस बाहर रखते ही। नीचे मम्मी ने दूध निकाल लिया था, अभी कर रही हैं सन्नी। शाम के टाइम में जो सन्नी करते हैं पशुओं को वही कर रही हैं। इस टाइम ये दूध निकालने के बाद इनको घास डाल के सन्नी कर देते हैं, तो ये पेट भर लेते हैं अपना। ये भी अभी आई थी नीचे से, आने के बाद नहाई हैं, अपने कपड़े धो रही हैं अभी। बाकी के जो कपड़े थे वो तो धुल चुके थे दोपहर में, और अभी ये नहाई थी तो अभी धो रही हैं अपने कपड़ों को नहाने के बाद। अभी इस पे भी फिर कमेंट आएगा, कुछ ही लोगों के आते हैं, एक दो ही हैं, नहीं तो मेरी फैमिली बाकी बहुत ही अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। पर एक दो इंसान होते ही हैं जो कि ऐसा करते हैं कि निगेटिव कमेंट कर, उन्हें खुशी मिलती है शायद ऐसे कमेंट करने से। तो कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता देती हूँ, दीदी अपने कपड़े खुद ही धो लेती हैं नहाने के बाद, वो अपने कपड़े साथ के साथ ही धो लेती हैं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है और ना ही किसी बात का डर है। पर कमेंट जो करते हैं नेगेटिव, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ, पहले ही बता दूँगी, नहीं तो फिर वो टेंशन लेते हैं। दलिया भूनने के बाद मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए, 2 सिटी में हो जाएगा, तब तक अंगीठी में आग जला लूँगी। हेयर बैंड भी है, चिमटी भी है, पर लगानी कुछ नहीं, गर्मी नहीं लगती। बना दी पटाखो, गुड इवनिंग। अभी मैंने दलिया रख दिया है उबलने के लिए, अंगीठी में आग जला लेती हूँ, बन जाएगा अंगीठी पे ही, दूध भी उबालना है तो अंगीठी में आग जला लेते हैं। और इधर खड़ी हुई है अंतिम जी, अंतिम जी को लग रही है गर्मी, जब गर्मी हो ही रही है तो सभी को लग रही है। तो अभी थोड़ी सी हवा ले लेते हैं, काफ़ी पसीना आ गया दलिया भूनने में आंखों में खुजली आती है, दवाई डालना भूल जाती हूँ मैं, लेके तो आ गई थी पर वो सजा के रखी हुई है मैंने, याद नहीं रहती डालने की, और जब याद आती है तो बच्चे डाल देते हैं और जिया के याद आती है, मेरे तो आती भी नहीं। तो अभी थोड़ा सा काम हो जाए हवा लेने के बाद, गर्मियों में मुंह पे दाने दाने से हो जाते हैं। तो समझता क्या है, दलिया दलिया भी उबल चुका है, अंगीठी में आग जला ली थी, दूध भी रख दिया था छान के, अभी इसमें दलिया डाल देते हैं
और फिर इसको चला के थोड़ी सी देर और अंगीठी पे रख दूँगी। बीच बीच में इसको भी चलाती रहूँगी। और अभी मुझे मिर्च प्याज भी काटनी है, वो भी छोंक लगाना है उनमें भी। तो दलिया को रखने के बाद फिर मैं आलू सॉरी प्याज हरी मिर्च काट के उनको छोंक लगा दूँगी। रोटी तो नमक की ही बनेगी। दलिया घर में सभी को पसंद है, सभी खाते हैं और फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा हो जाता है, वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं तो ये तो सब रोटियों के साथ खा लेते हैं, रोटियों के साथ भी नहीं पहले ही खा लेते हैं। रोटी कोई नहीं खाता फिर दलिया खाने के बाद, बस बड़े भाई साहब हैं वही खाते हैं, मम्मी ले लेती है एक दो, नहीं तो सब दलिया ही खा लेते हैं। और मैं क्या काम करती हूँ, एक रोटी खा लेती हूँ और दलिया को रख देती हूँ उठा के फ्रिज में, फिर बाद में खाती हूँ जब वो ठंडा हो जाता है तभी अच्छा लगता है मुझे। और ये सब खा लेते हैं पहले ही, अभी बना के इसको फिर मैं हवा में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले ही बॉइल कर लिया है तो फिर जल्दी बन जाता है। उसके बाद फिर मैं इस पे अंगीठी पे दूध गर्म कर लूँगी। अंगीठी से बहुत हेल्प हो जाती है, एक तो चूल्हा नहीं चलाना पड़ता और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब अंगीठी पे ही हो जाते हैं। उपलों में थोड़ी सी दिक्कत आती है पर गुल्ले बहुत अच्छे जलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करने का भी टाइम हो गया है, वीडियो का कर लेते हैं यहीं पर एंड। तो सबसे पहले मैं नाम ले लेती हूँ, फिर भूल जाऊँगी नहीं तो, मैंने लिखे हुए हैं जो जो मेरे याद हैं। अगर कोई बाई चांस रह भी जाए तो प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा, कल की वीडियो में आ जाएंगे सभी के नाम। तो आज की वीडियो में जिन जिन के नाम याद हैं वो ले लेते हैं, जिनका बर्थडे है उनके भी और जिनका नाम लेना है उनके भी। आर्यन, आर्यन का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आर्यन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो अरिहंत, आप कैसे हो, रोज मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दमनीक कौर ही उस पे नाम है आईडी पे, और दमनीक 27 जुलाई को दमनीक कौर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दमनीक कौर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा तरक्की करें, अपने जीवन में खुश रहें, खूब तरक्की करें, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और वीडियो कर लेती हूँ यहीं पर एंड। जाते जाते आप लोगों से एक बात और भी करनी है, आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि आपके यहाँ बहुत कम खाना बनता है, तो देखिए मैंने बहुत बार वीडियो में बताया भी है, खाना कम ही खाते हैं तो कम ही बनता है। और अगर मैं ज़्यादा बना के करूँगी भी क्या, फिर वो वेस्ट जाता है, तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। वैसे मैंने बहुत बार बताया भी है कि खाना बहुत कम बनता है हमारे यहाँ, कम ही खाते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेती हूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे बहुत खुशी मिलती है मुझे। और कमेंट भी ज़रूर करें, आप लोग कमेंट भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग, प्यारे प्यारे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाते हो तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, नीचे दी गई हुई बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप लोग को मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक जाती रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।